बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ते की हाल चाल है जी थोड़े सब दा। उम्मीद करनी हाँ कि तुम सब होवोगे खरीदे जनाब। तो अज ही असी बना रहे हैं जी वाइट सॉस पास्ता विद बोनलेस फिश है, जो कि अभी मैरीनेशन करके मैं काफ़ी दिन पहला रखा सी। और यदि मैरीनेशन जी है मैं तुम्हें फिर किसी दिन तुम्हारे शेयर करांगी, यानी कि जो यदि कोटिंग मैं की थी है। ठीक है जी, तो देखो जी आज वाइट सॉस पास्ता बन रहा है विद फिश। यह देखो जी पास्ते यूज़ की होएगा ब्रोकली है, शिमला मिर्च है, गाजर है, आलू ने, आलू के असी फ्राई तैयार करांगे। इधर जी फिश तैयार हो रही है। ए ने जी मेरे को स्पाइसिस जैसे सफेद मिर्च है, ऑरगैनो है, ब्लैक पेपर है, रेड चिली फ्लेक्स है, थोड़ी सारी चीनी है, तो चिकन पाउडर है। हमने किन्नी मिकदार ने चिकन पाउडर है जी मेरे को इतने एक टीस्पून, और मेरे को क्रश चिली हाफ टी स्पून भी थोड़ी है, ब्लैक पेपर भी इन्नी क्वांटिटी है, और मेरे को सफेद मिर्च की भी इन्नी ही क्वांटिटी है, यानी कि हाफ टी स्पून तो भी घट गए। ब्लैक पेपर है और शुगर है मेरे को जो कि हाफ टी स्पून है। इधर जी असी फ्राइज कर रहे हैं फ्राई, हुण जी असी वेजिटेबल्स वास्ते इहदे च ऐड कर रहे हैं बटर, ताकि सब्जियां जिहड़ियां ने वो थोड़ियां जिहियां सौते हो जाए। तो ए ने जी मेरे को गाजर है, असी पहले में गाजर पावांगे, फिर असी इहदे ब्रोकली ऐड कर देंगे, नाल ही असी ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, क्योंकि असी इहनू बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। हुण जी असी इहदे ते तकरीबन एक पिंच जिहड़ा वे वह नमक ऐड किया वे, और एक पिंच ही असी इहदे ते ब्लैक पेपर ऐड करांगे। जिन्हां दे बच्चे सब्जी नहीं खाते, अगर मावां उन्हां नूं इहो जी चीज़ां दे नाल इस तरह की सब्जी बना के दें और पास्ता वगैरह के नाल यकीनन शौक ना खाएंगे। और इतने जनाब मैं ये फ्राइज जोड़े ने उन्होंने सब्जियों के शामिल कर दिता है। तो देखो सब्जियां किनिया माशाल्लाह खूबसूरत कलर आ गए ने, रेड भी, ग्रीन भी, और आलू का कलर भी लाइट येलो जहा वे। हुण जी असी सॉस तैयार करांगे वाइट सॉस, उहदे वास्ते बिल्कुल थोड़ा सारा असी इहदे च ऐड करांगे ऑयल, और इहदे नाल ही असी इहदे च ऐड कर देंगे बटर। पता नहीं इन्हां ने की किया ऑयल दे विच, कितने पानी सुटिया की किया। असी इहदे विच ही हुण ऐड कर रहे हैं बटर, और बटर के नाल ही असी इहदे च ऐड कर देंगे गार्लिक। हुण असी इहदे विच ऐड करांगे वाइट फ्लोर यानी कि मैदा, और मैदा मेरे को जिहड़ा वे वह असी इहदे च ऐड करांगे 3 टेबल स्पून। तीन टेबल स्पून मैदा असी भर के ऐड करांगे, ताकि ज़रा असी इहनू चंगी तरह हुण असी इहदे विच दुध ऐड करांगे और चम्मच चलांदे जावांगे, ताकि इहदे विच लम्स ना बन सकन। मैं इहदे विच दुध दी क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हाँ, क्योंकि मेरा ऑर्डर जिथे जाना वे वो मेरे घर तो तकरीबन कोई मेरे शहर तो बल्कि 10-12 किलोमीटर दूर है। और जेले असी इहदे विच पास्ता ऐड करांगे ते ये जिहड़ा वे साडा सॉस जिहड़ी है ये मज़ीद
ठीक हो जाएगी। लिहाजा मैं ये इन थोड़ा जहा मैं ज़रा सॉसी टाइप रखागी कि जूसी टाइप होए, ये ना होए कि बिल्कुल ही पत्थर बन जाए, क्योंकि यदा मज़ा आता है कि इनू गर्म गर्म ही सर्व किया जाए। हूँ असी ये नाल ही स्पाइसिस भी ऐड कर देवे। मैं पहला तुम्हें दस चुकी हाँ ना कि ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर है और क्रश चिली पाउडर है, सॉरी क्रश चिली है और क्रश चिली फ्लेक्स है और चिकन पाउडर है, काली मिर्च है, सफेद मिर्च है। नमक मैं ये बिल्कुल ऐड नहीं किया क्योंकि ये चीज़ भी ऐड होएगी और चीज़ जी पहला ही जड़ा वे वो सॉल्टिश होंगी है। असी हूँ ये दुध होर ऐड कर देंगे। हूँ असी इतने जी ये क्रीम ऐड कर रहे हैं, मिल्क पैक क्रीम है, दुध भी मैं मिल्क पैक का ही इस्तेमाल किया ये। और हमेशा याद रखो कि पास्ता गर्म गर्म ही सर्व किया जाता वे। अगर तुसी किसी को भेजना वे या बना लिया वे तो यदि सॉस में थोड़ा पतला रखो ताकि जो दोबारा इनू गर्म करो ना तो ये ना होए कि असी कोई जमी हुई चीज़ खा रहे हैं, यानी कि सॉस जी है वह भी बेच होनी चाहिए है। हूँ असी ये जरा वे चीज़ ऐड कर रहे हैं। चीज़ ऐड करांगे ये नाल ही असी ये पास्ता भी ऐड कर देंगे। ऐ वे जी पास्ता, ऐ पास्ता पहला मेरे शहर नहीं मिलता सी, जदों दा इम्तियाज मॉल आया है और असी ऐ वाला पास्ता इतों लैने हैं। बहुत टाइम पहला जरा वे वो मेरे हस्बैंड ने मैं लिया के दिता सी, मगर यह वे कि साडा शहर जरा वे इतने ये नहीं मिलता सी, मगर हूँ शुक्र है कि इम्तियाज स्टोर के आन की वजह न जरा वे वो ऐ पास्ता जरा वे इतने अवेलेबल है, जो कि मैनू बहुत पसंद है और कस्टमर्स की भी डिमांड होंगी है। बच्चे तो वैसे ही पास्ता जरा वे वो पास्ता लवर ने, पास्ता बड़े शौक न खाते ने। असी जी थोड़ा जहा इनू पकावे, फिर असी इनू करांगे जनाब अपने उद्देश कस्टमर जरा बॉक्स है उद्दे। वैसे देखो ये भी बच्चों वास्ते बड़ा हैल्दी फूड है कि बटर भी है, ये वाइट फ्लोर भी है, ये असी जरा चीज़ भी ऐड की है, ये दुध भी ऐड किया वे। और बच्चे जड़े ने उन्होंने योजा हैल्दी फूड जरा वे अगर मामा घर खुद बना के देन, रेस्टोरेंट तो भी बड़ा मज़ेदार बड़ी अच्छी चीज़ मिलती है, मगर खुद घर से बनाना यह होंगे कि तुम्हें पता हों कि तुसी एक नंबर चीज़ इस्तेमाल की। हूँ जी असी ये पा देवे पास्ता। हूँ जनाब मैं फिश पाई है स्पैन, क्योंकि असी इस सॉस को वेस्ट नहीं करांगे, असी अच्छी तरह सॉस जी है वो फिश के उपर भी लगा देंगे। तो लो जी इतने साडा मज़ेदार जहा जरा वे वाइट सॉस फिश पास्ता रेडी है विद वेजिटेबल्स। तो मेरी रेसिपीज़ के बारे जरूर फीडबैक दिया करो। और आखिरी दफ़ा फिर कहांगी कि इन्ने कम व्यूज़ आने की मैं समझ नहीं आ रही कि आखिरकार की गल वे, तो क्यों इन्ने कम व्यूज़ मैं मिल रहे ने, और सबसक्राइबर भी मेरा जरा वे वो एकदम ही जरा रुक गया वे, जबकि बड़े अच्छे सबसक्राइबर और वॉचिंग टाइम और व्यूज़ जा रहा सी। बहरहाल जी मैं बार बार कहनी हाँ, मगर फिर नैगेटिव कॉमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, ये आने मैं तुसी दियो कि इजाज़त। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलांगे दिल ना करना थोड़ा। और मेरे चैनल नू मैं फिर कहांगी कि सबसक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ नू वॉच करो, लाइक करो, शेयर करो और बैल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करो। ये मैंने तुम दियोगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।